आज हमारे साथ हैं बेगूसराय विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हीरा प्रधान जी। हम उनसे बात करेंगे कि पहले तो भाजपा में थे और अब जो है वो भाजपा को छोड़ करके यानी कि अपनी पार्टी को छोड़ करके वो निर्दलीय क्यों मैदान में उतरे हैं। बेगूसराय में सामाजिक न्याय का खून किया गया स्थानीय सांसद जी के द्वारा, तो हमने कहा कि सांसद जी जब आप बेगूसराय आने से डरते थे, बेगूसराय की धरातल का आपको एहसास नहीं था और यहाँ का कार्यकर्ता 7.5 लाख वोट ला करके आपको लोकसभा भेजा, आप भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बने और राजनीति को आपने रिश्तेदारी में बदल दिया। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम मैदान में खड़े हैं और हमने कहा कि जब कार्यकर्ता 20 वर्षों तक लगातार कार्य करता है और जब उपेक्षित हो जाता है और समाज में जब सामाजिक न्याय का खून होता है तो उसकी बगावत करता है और उसी बगावत में हीरा पोद्दार समाज की सम्मान में मैदान में मैं खड़ा हूँ। भ्रामक खबरें राजकिशोर सिंह जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और प्रत्याशी के द्वारा फैलाया जा रहा है कि आशुतोष पोद्दार हीरा बैठ गया है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मैं वह कार्यकर्ता हूँ जो पार्टी की बुनियाद से खड़ा करके उसको शीर्ष पर भेजा हूँ। मैं बैठने वाले में से नहीं हूँ, मैं पूर्णतः मुस्तैदी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और 10 तारीख को परिणाम चौंकाने वाले होंगे। ये बात करें कि जैसे अभी यहाँ पर पूर्व जो विधायिका हैं अमिताभ भूषण जी, वो पहले से विधायक हैं और अभी जो एक बीजेपी से जो है उनको भी टिकट दिया गया है, तो आप किस तरह से जनता को प्रोत्साहित करेंगे? दोनों का मामला क्या है, एक 5 वर्षों तक जनता को मूर्ख बनाते रहे और दूसरे जनता के बीच में अपने आप को बेहतर दिखाने में लगे हैं और जनता दोनों को नकारने में लगी है और मैं तो जलता हूँ, पीछे पीछे हमसे आगे है जनता। इस बार जो है चुनाव को लेकर क्या मुद्दा रहेगा? पहले मेरा स्थानीय मुद्दा रहेगा यहाँ के युवाओं का भविष्य, रोजगार, रेवड़ी वाले, ठेला वाले, रिक्शा वाले, टमटम वाले, जितने भी मजदूर प्रकार के व्यक्ति हैं जिनको इस कोरोना वैश्विक महामारी के नाम पर जिनके साथ एक प्रताड़ना हुआ है, वह सब डरे और सहमे हुए हैं, भयभीत हैं। मैंने क्षेत्र में गया, कहा अभी तो चुनाव का समय है, आप बेहतर रिजल्ट दीजिए, आगे मैं आपको भविष्य दूंगा, क्योंकि उनके पास न रोजगार है न भोजन है, भुखमरी के कगार पर बैठे हुए हैं। बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे निर्दलीय प्रत्याशी बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से हीरा पोद्दार जी, उनसे हमने बात किया था कि वो आखिर पहले भाजपा के कार्यकर्ता थे और वो भाजपा को छोड़ करके क्यों निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरे हैं। तब तक के लिए देखते रहिए द बिहार झारखंड और मैं अमित।